Hi guys, welcome back to the new vlog. Here we are in Almaty. Check out the view, guys. Kya yaar, badhiya jagah hai yaar ekdam. मेरे ग्लव्स भी बस मेरे हाथ में हैं अभी, बस हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं। बस यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, फटाफट से आई थिंक हमारे हार्डली हम लोगों को एक या दो मिनट लगे थे पूरा इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो बस नहीं यार, दो से तीन मिनट लगे बस, वो तो क्यू थी तो लगे, बट अदरवाइज उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। बस फिर हम लोग बाहर आए तो हम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें करनी थी यहाँ पर आकर। हम लोग USD लेकर आए थे तो वो यहाँ की करेंसी में एक्सचेंज करवाने थे, उसका भी रेट बोर्ड मैं डाल दूँगी। तो हम लोगों को अर्जेंटली चाहिए थे टैक्सी के लिए और हम लोगों को सिम लेनी थी उसके लिए। और यार यहाँ पे ना हम लोग जैसे अभी बाहर आए तो कल ड्राइवर्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं एयरपोर्ट पर, तो मिल जाएगा। थोड़ी महंगी है बट जब तक कोई सोर्सेस नहीं है कि तो उसी थोड़ा मतलब ये मतलब सेफ है, मतलब टूरिस्ट है कि थोड़ा बहुत तक कटवाऊंगा ना स्टार्टिंग में जाके। हां मतलब अगर सेफ ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो जो एयरपोर्ट सर्टिफाइड ऑप्शन है उसके साथ जाओ। ज्यादा चीजें ट्राई करने से आते ना -10 है के बाद। हां एक बार गेड़ा काटी जाएंगे ना मैं तो पहले अंदर आके पता नहीं बोलेगी कि यार जेड़ा मर्जी मिले बस मैं सीधा गड्डी के बीच बैठना बाहर जाके। झूठ बोल रहा है। टैक्सी वाले मैंने देख देख के बोल रहे भी आज से दाग भी इधर आ गए कुछ भी हाउ फार इज द रमाडा होटल हाउ फार डिस्टेंस अच्छा हो गया था एयरपोर्ट पे भी ऑप्शन था पर हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे काफ़ी ऐसे लग रहा था एक्सपेंसिव टाइप, पर कोई भी फ़र्क नहीं है, हम लोगों ने हमें इतना डिले किया। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि एयरपोर्ट पे ले लेना, कोई फ़र्क नहीं है। थिंक नेटवर्क का कुछ फ़र्क हो सकता है कि कोई आपको कहेगा, यहाँ पे दो नेटवर्क सबसे ज़्यादा चलते हैं, एक Tele2 और Altel। वो मैं नेक्स्ट उसमें एक क्लिप भी डाल दूँगी। तो हमने लिया उसके क्या क्या यहाँ पे चार्जेस थे और हमने कौन से वाला लिया है। तो हम लोगों ने जॉब किया है वो 1 month वाला ही किया है जिसमें 25 GB है डेटा। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। सब कुछ यहाँ पे कजाक में ही लिखा हुआ है। मैं आपको जो वहाँ दिखा रही थी, हम वहाँ जाने वाले थे बट वहाँ में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट चिकन आइटम्स थे और वहाँ का जो ओनर था वो भी थोड़ा पागल सा था, उसने हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। हर जगह ऑलमोस्ट चिकन है और ऐसा नहीं कि हम लोग चिकन खाते नहीं हैं बट पता नहीं क्यों ऐसे एक ग्रेट फीलिंग से नहीं आ रही कि खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हैं, ऐसे कुछ उल्टा सीधा खा लिया। ढूंढ ही रहे हैं कि कुछ खाने को अच्छा सा मिल जाए। बाकी बड़ा यूरोपियन स्टाइल बना हुआ है, ये आ सकते हैं वैसे कजाक बजट फ्रेंडली तो नहीं बोलूँगी बट मतलब इंडिया में कुछ ऐसे कश्मीर वगैरह जाने का प्लान कर रहे हो सिर्फ स्नो देखने के लिए या फिर व्यूज के लिए तो, और उसी बजट में अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हो तो आई थिंक अलमाती कुड बी दी ऑप्शन। और यार जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा सनी डे है बट स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब हम लोगों ने कुछ 3-4 लेयर्स पहनी हुई हैं कपड़ों की बट इट्स रियली कोल्ड। तो ऐसा नहीं है कि बेयरेबल नहीं है अभी तक, तो अभी तक जैसा हमें लग रहा है तो बिल्कुल सन। हाँ तो चलो रूम टूर दिखाना तुम्हें। वी आर स्टेइंग एट रमाडा। हम लोग किसी नॉन चेन में ही रहना चाहते थे, हम लोग यही 2-3 होटल्स थे जिनके बारे में एक्सप्लोर कर रहे थे, नोवोटेल, हॉलीडे इन और रमाडा। रमाडा के साथ हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है। इसका हम लोगों को कितना एक्सपेंस पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्सपेंस वाली वीडियो यार मैं एकदम लास्ट में बनाऊंगी।
पे फुल मिरर आएगा एंट्रेंस में, और उसके बाद ये एक अलमीरा दी हुई है, आई थिंक गुड साइज अलमीरा है, सेफ है अंदर, और बाथरूम्स हैं ऊपर, एक्स्ट्रा पिलोज हैं, रूम स्लीपर्स, कैशुअल, ये वॉशरूम है, बेडिंग एरिया ठीक है, डिसेंट साइज है, और ये यहाँ पे टी टेबल वगैरह, वन मोर मिरर, ये वर्क स्टेशन बनाया हुआ है छोटा सा, और ये यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है। अभी ये शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए थे बड़ा यूनिवर्सल अडैप्टर लेने के लिए, वो अभी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सा लग रहा है। अभी तक सिर्फ पेट्रोल स्टेशन पे ही ट्राई किया है और वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं 5000 टेंगे, और हम लोग ऑनलाइन भी देख रहे थे कहीं, तो इतना महंगा है नहीं। आप अगर आ रहे हो तो आप साथ में ये चीज़ चेक कर लेना कि आपके पास यूनिवर्सल अडैप्टर हो। बस अभी हम लोग आए हैं खाना खा, इंडियन रेस्टोरेंट, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं इसकी डिटेल्स, बाकी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और देखते हैं कि कैसा होता है टेस्ट में। और एक बात, यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जैसे हम लोग अभी चेक कर रहे थे मनी एक्सचेंज वगैरह, वो ऑलमोस्ट 7 बजे तक बंद हो जाता, सिर्फ आई थिंक यहाँ पे अब खाने पीने वाली जगह ही है जो अभी इतनी रात तक खुली होंगी। दाल फ्राई, येलो दाल फ्राई ऑर्डर करी थी हम लोगों ने, और तंदूरी रोटी ऑर्डर करी थी तो वो अच्छी थी, पर चिकन टिक्का नॉट सो गुड, मतलब वो हाफ कुक्ड ही दे दिया उन लोगों ने, मतलब उनका जैसे बनाने का तरीका होगा आई थिंक वैसा सा था। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और हो रहे हैं सारे आउटलेट्स वगैरह, आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, पिज़्ज़ेरिया वगैरह है और कैफे कूफे हैं। इंग्लिश का बड़ा पंगा है। हाँ यार इंग्लिश का बहुत, सानू भी नहीं आंदी ऊपर दी, इन्हां नू होर नहीं आंदी, इन्हां नू तो साडे भी मारे, साडे नाल भी मारे हाल ने इन्हां दे। ये लिटरली यहाँ पे हम लोग गूगल ट्रांसलेटर खोल के भी बता रहे हैं और वहाँ पे भी पता नहीं ऐसा क्या ही स्ट्रेट स्ट्रेट बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई भी -35 डिग्री वाली जैकेट लेकर आ रहे हो, एक तो आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगी फॉर श्योर, सेकेंडली आप ऑब्वियसली अब इतनी अच्छी जगह पे आ रहे हो, फोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होगी तो उसमें आप थोड़े बहुत तो डाइसी रहोगे कि यार वो दिखने में अच्छी नहीं होती और ये नहीं होनी, और हम भी नॉर्मल अपने जो रेगुलर जैकेट्स वगैरह हैं उसी में ही अभी यहाँ पे हम लोगों ने भी वही लेकर आए हैं। द ओनली थिंग इज हम लोगों ने जो फोकस किया था ग्लव्स, कैप, बिनी, आई मीन शूज़, अपने ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन के आ रहे हो, जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो वॉक करके वो करो, आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, उसकी भी लेयरिंग करो, डबल सॉक्स पहनो, एक वार्म सॉक्स पहनो, एक नॉर्मल पहनो, अगर दोनों डबल में ओके हो, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है तो वेयर करो।